दोस्तों हमारे किसी भी वीडियो पर अगर कॉपीराइट आ जाता है तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ों को अपने वीडियो में इंक्लूड कर देते हैं जिससे हमारे वीडियो पर कॉपीराइट आ जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे कि फेक कॉपीराइट आपको मिल जाता है। आपका किसी भी प्रकार का अगर कॉपीराइट है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों कॉपीराइट को रिमूव करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलेंगे, वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि हम कॉपीराइट को कैसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पर आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। आपका कोई भी ब्राउजर है उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने लोगो के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर लेना है। दोस्तों यह प्रोसेस आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करना है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद क्रोम को डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक करके आप यह प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं। यूट्यूब स्टूडियो को दोस्तों ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको अपने कंटेंट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपका जो भी कंटेंट है आप यह मोबाइल में भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो आप जैसे कंटेंट के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने आपकी सभी वीडियोज आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो इस वीडियो पर कॉपीराइट आया हुआ है। दोस्तों यह कॉपीराइट इसलिए आया है क्योंकि हमने एक म्यूजिक को यूज किया है। दोस्तों यह म्यूजिक हम YouTube की लाइब्रेरी से ही लिए थे लेकिन पता नहीं क्यों इस पे कॉपीराइट आ गया। दोस्तों इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पेंसिल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पेंसिल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी यह वीडियो आ जाती है। तो यहाँ पर आपको राइट में देख लीजिए, आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक कॉपीराइट का जो रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपको सिंपली इसके ऊपर कर्सर को लाना है, के बाद यहाँ पर सी डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सी डिटेल के ऊपर जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो भी कॉपीराइट है वो कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक है यहाँ पर वो साफ साफ दिखाई दे जाता है। तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ राइट में देख लीजिए थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों इस कॉपीराइट को रिमूव करने के लिए आप यहाँ से देख लीजिए उस वीडियो को कट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, उसके बाद सॉन्ग को रिप्लेस भी कर सकते हैं, उसके बाद म्यूट भी कर सकते हैं। दोस्तों हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, हम इसको म्यूट ही कर देंगे। तो आपको म्यूट सॉन्ग के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों म्यूट सॉन्ग के ऊपर जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जहाँ जहाँ पर जो कॉपीराइट मिला है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, जितने टाइम से जितने टाइम तक मिला है ये यहाँ पर टाइम शो हो जाता है। दोस्तों आप चाहें तो पूरे सॉन्ग को यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके पूरे सॉन्ग को भी रिमूव कर सकते हैं, पूरे बैकग्राउंड म्यूजिक को। लेकिन दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारा जहाँ जहाँ पर कॉपीराइट है हम उसी को रिमूव करें। तो आपको यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ म्यूट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप म्यूट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपका यहाँ पर देख लीजिए जो वीडियो का प्रोसेसिंग है कुछ टाइम तक ये प्रोसेस लेगा। उसके बाद आप एक दो घंटे बाद इसको चेक कर लीजिएगा, आपका जो कॉपीराइट होगा वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप बहुत ही आसानी से अपने कॉपीराइट को रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों YouTube से रिलेटेड और भी वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।